तो गाइज ये रोड जा रही है इस साइड, लॉन्ग साइड है ये, तो हम जाएंगे इस साइड, यहाँ से रास्ता है तो इधर से जाएंगे हम शॉर्टकट। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच गई हूँ अपने गांव के रोड पे। तो कम से कम 8-10 महीने हो गए, 8-10 महीने से दिल्ली से अपने गांव आ रहा हूँ और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज जाने वाला हूँ मैं गाँव शाम को। अभी 4 बजे ट्रेन जाती है पुरानी दिल्ली से, तो अभी तो मैं पार्क में जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मैं अभी आया था इस पार्क में, अभी यहीं बैठा हूँ और इस पार्क में यहाँ पर सामने इधर यहाँ पर सुबह योगा भी सिखाया जाता है, तो इस पार्क में मैं इधर आता रहता हूँ। और इधर देख सकते हैं बच्चे इधर खेलते हैं और सामने उधर झूला भी है बच्चों के लिए और इधर सामने एक्सरसाइज के लिए है। तो गाइज ये सामने इधर रहा एक्सरसाइज के लिए, तो इधर एक्सरसाइज के लिए आते रहते हैं। तो गाइज इधर मैंने 3-4 राउंड लगा दिए और अब जा रहा हूँ मैं अपने रूम पे। तो आज का वीडियो में बने रहना, तो अभी मिलते हैं आपको सीधा रेलवे स्टेशन पे। सो गाइज अभी तो मैं मेट्रो में और यहाँ से अभी जा रहा हूँ मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो अभी मिलते हैं आपको सीधा रेलवे स्टेशन पे। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और हाँ यहाँ से ट्रेन जाएगी शाम को 10 बजे रामनगर से, और अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 4:46 और अभी ट्रेन में जाऊंगा मैं 10 बजे वाली में, क्योंकि 4 बजे वाली ट्रेन थी वो ट्रेन हमारी कैंसिल हो गई, तो अब जाएगी यहाँ से ट्रेन 10 बजे। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ प्लेटफॉर्म 11 पे। तो गाइज अभी टाइम हो गया 5:50 और सामने एक ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है हरिद्वार की, दिल्ली से हरिद्वार, ये सामने ट्रेन जा रही है और ट्रेन के साथ TT भी चले गया टिकट चेक करने के लिए। तो ये हरिद्वार जाएगी दिल्ली से हरिद्वार और ये जा रही है 5:50 पे यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। ट्रेन चली गई यहाँ से हरिद्वार वाली। 2-3 घंटे मैं स्टेशन पर वेट किया और शाम के 8 बज चुके हैं, और मैं खाना लाया था तो मैं भी खाना खाऊंगा। 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी रामनगर वाली, तो मैंने खाना खा लिया। शाम के 8 बज चुके हैं और अभी 2 घंटा वेट करेंगे ट्रेन का, 2 घंटे के बाद लग जाएगी रामनगर की ट्रेन 10 बजे। अभी 8:20 हो गए हैं, केवल 2 घंटे वेट करना बस, केवल 2 घंटे, 2 घंटे के बाद ट्रेन जाएगी। गाइज 10:15 है, अभी गाड़ियाँ आई नहीं है, आने वाली है बस 15 मिनट में आ जाएगी, तो अभी यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी हमको थोड़ी देर में आ जाएगी बस। फाइनली गाइज ट्रेन आ चुकी है रामनगर वाली, देख सकते हैं पुरानी दिल्ली से रामनगर जाने वाली ट्रेन। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गया हूँ ट्रेन के अंदर और मैंने सामान वामान सारे ट्रेन में रख लिया, सारे लोग यहाँ तक बैठे हैं, एकदम ट्रेन पूरा फुल हो चुकी है, सबने सीट ले ली, मुझे भी मिल गई ऊपर वाली सीट, यहाँ पर बैठा हूँ मैं साइड में और इधर मैं बैठा हूँ और पूरा ट्रेन एकदम फुल है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर काशीपुर में और काशीपुर में यहाँ पर जो सवारी को काशीपुर उतरना है वो यहाँ से उतर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी ट्रेन रामनगर। फाइनली गाइज देख सकते हैं सामने रामनगर का बोर्ड लगा, यहाँ पे पूरा 4:30 हो गए। अभी यहाँ से बस जा रही है, ये है इधर बस स्टैंड। और
तो फाइनली गाइज मैं रामनगर से बैठ चुका हूँ अपने गाँव वाली बस में, और यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर होगा। तो 80 से 90 किलोमीटर यानी 2 से 3 घंटा लग जाएगा, तो मैं पहुँच जाऊँगा। यानी मैं 6 बजे यहाँ से बैठ गया हूँ, सुबह 8 से 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो गाइज यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ मरसूला में, और यहाँ पे बस रुकती है, जिसको चाय नाश्ता जो करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज घर पहुँचने वाला हूँ, बस यहाँ से केवल 7 किलोमीटर है, उसके बाद पहुँच जाऊँगा घर। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव के रोड पे। तो यहाँ से हमारे गांव का रोड है, और यहाँ से ये रोड जाती है सीधा मैनिला को यहाँ से, और यहाँ से रोड जाती है हमारे गांव को। तो यहाँ पर परवीन और मंजू हमारे हमें लेने के लिए आए यहाँ पे। अरे मंजू और परवीन आए हैं। यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से गाड़ी नहीं मिलती, कभी कभी जीप आती है यहाँ से, तो अभी यहाँ से जाएंगे पैदल पैदल। ये हमारे गाँव का रास्ता है यहाँ से रोड का, पहले रोड नहीं था, अभी रोड गई है, मतलब 4-5 साल हो गए इस रोड को। तो गाइज काफ़ी महीनों के बाद मैं अपने गांव आ रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज कम से कम 8-10 महीने हो गए, 8-10 महीने से दिल्ली से अपने गांव आ रहा हूँ, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये देख सकते हैं हमारे गांव का रोड है, और ये इस तरह का जंगल है। तो आगे कंटिन्यू बने रहना इस ब्लॉग में, और आज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हमारे इस YouTube चैनल पे आप अपने गांव की वीडियो आपको मिलेगी, तो बने रहे आज के इस ब्लॉग में। तो परवीन मेरा लगेज ले जा रहा है खींच के, और इधर तक गांव के, हमारे गांव के वहां तक रोड है। तो हम यहां से अभी पैदल जा रहे हैं, कम से कम 2 किलोमीटर है यहां से। अब गाइस यहां से थोड़ा ही है हमारे गाँव, यहाँ से दिख रहा है सामने, वो उधर उधर सामने देख सकते हम। और ये रोड जा रही है वहाँ से सीधा, और उधर जाना हमको गांव, सामने उधर है हमारा गांव। तो यहाँ से अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। आज का ब्लॉग में भी कंटिन्यू बने रहना, अपने घर तक दिखाऊंगा आपको। तो गाइज ये रोड जा रही है इस साइड, लॉन्ग साइड है ये, तो हम जाएंगे इस साइड, यहाँ से रास्ता है, तो इधर से जाएंगे हम शॉर्टकट। तो हम चलते हैं शॉर्टकट रास्ता यहाँ से। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच गया अपने घर पर, और बस आज के इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। घर का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके और पे सेलेक्ट कर देना, जैसे भी मैं नया वीडियो लाता हूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।